हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी, वेलकम बैक टू ए न्यू व्लॉग। टाइम होने ही वाला है, गुड्डू चली गई है स्कूल का मतलब। गुड्डू चली गई इनसे थोड़ा सा पहले। उसकी वही चीज़ थी जो असेंबली, क्या कहते हैं भाई, जो मेरी थी असेंबली। उसकी, क्या करना होता है उसमें? उसमें प्रेयर करनी होती है बहुत सारे बच्चों को खड़े होके, और जब अच्छा पूरा स्कूल एक तरफ खड़ा होता है उसे उस पूरे स्कूल को कमांड करना होता है। अच्छा अच्छा थोड़ी सी देर के लिए। अच्छा ठीक है। हाँ समझ गया समझ गया समझ गया। कर क्या रहे हो वहाँ पे? जरा आओ जरा। इधर को आके बताओ क्या कर रहे हो। आरुषि, इस साइकिल को रहने दे, भी पसीने आ जाएंगे फिर से दोबारा तैयार हो के। भी आके कर लियो साइकिलिंग। और कल जितनी बारिश हुई थी ना, आज उतनी उससे ज़्यादा गर्मी है बेटा। गर्मी के मौसम में गर्मी होगी, और बहुत दिन हो गए गर्मी होते हुए, तो गर्मी से कोई शिकायत नहीं रहनी चाहिए। नंदनी, ये क्या खुरापात में लग गया सुबह सुबह? ये एक है, उस पर मान नहीं रही ना आज, बात बात को मान नहीं रही ना। चलो ठीक है, आओ चिंके। चलो जब मान नहीं रही मैं क्या करूँ, क्या करूँ मैं जब मान नहीं रही है मेरे सामने, मजबूरी है फिर। स्कूल में चलो। स्कूल में चलो, क्या बिठा के स्कूल में? स्कूल में चलो, अभी टाइम है, कम से कम 20 मिनट का टाइम है। हैं, वहाँ बैठ जाओ हवा में, जब तक पसीनों में ड्रेस खराब नहीं होगी। तो फिलहाल जो है बड़े धर्म संकट की स्थिति पैदा होगी यहाँ पे। आज हमारा जो था, आज नहीं कल मतलब अपकमिंग संडे में हवन करवाने का प्रोग्राम था, गृह प्रवेश का हवन। वैसे तो गृह प्रवेश तो ही रहा वहाँ पे, लेकिन हवन जरूरी था। तो अभी सटीक दिन कोई सब बैठ नहीं रहा, और पता नहीं मुहूर्त नहीं निकल के आ रहा, क्या बात हो रही। पंडित जी से पहले पूछा था कई दिनों पहले, हफ्ता भर पहले, उन्होंने कहा था कि ठीक है संडे में जो है पूर्णमासी रहेगी और उसमें कर देंगे। वैसे आज से लग रही है, उन्होंने ये बताया पूर्णमासी। और अब उन्होंने बोल दिया, मैं गया था भाई, भाई सामान वामान लिखवा लाऊँ कुछ, और हवन का पूजा पाठ करा लेंगे वहाँ पे नए घर में भी। अभी कोई ऐसी पूजा पाठ हुई नहीं, हल्की फुल्की छोड़ गए। अब उन्होंने ये बोल दिया कि इस पूर्णमासी को ठीक नहीं रहेगी, शुभ नहीं रहेगी पूजा। तो फिर तू ना बोलता नको जी, अगले महीने में बता दो किस दिन की रहेगी। अब अगले महीने में उन्होंने कहा कि सावन में जब चांदनी रात होगी, चंदन लगेगा, तब देख के बता देंगे कोई अच्छा सा दिन, तब हो जाएगी, सावन में हो जाएगी। और माँ कह रही सावन में कैसे हो जाएगी। अब अगले धर्म संकट की स्थिति यहाँ पे पैदा होगी। तो सावन में गृह प्रवेश की कथा नहीं होती, कैसे करवा लेंगे? करवा ले, वैसा तो करवा ले हमन, एक साधारण हमन जो गृह प्रवेश से अलग होगा वो करवा ले। वो तो आज भी हो सकता है या कल भी हो सकता है, तो मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा फिलहाल। ये मुझे कह मैं बार बार क्यों नहीं करवा रहे। अब मैं पंडित जी से पूछ के जाऊँ, उन्होंने जो बताया इन्हें बता दिया मैंने। ये उस चीज़ पे एग्री नहीं है कि अगले महीने सावन में कैसे हो जाएगी गृह प्रवेश की वहाँ पे हवन और कथा। तो बस समझ में नहीं आ रहा इस चीज़ का निस्तारण कैसे हो, सलाह करनी पड़ेगी किसी अच्छे विशेषज्ञ। पहले महीने में सोचा था जिन्होंने कह दिया था कि जो सूख डूब रहा। हाँ, कुछ हिसाब नक्षत्रों का भी है भाई, सूख डूब रहा था। और फिर जो है अब उन्होंने बता दिया कि भाई गृह प्रवेश के लिए जो हवन है वो भी शुभ नहीं रहने का कल को, मतलब संडे को। अब पता नहीं भाई कैसे करें क्या करेंगे, समझ में नहीं आ रहा कुछ। एक बार समझ में ये भी आ गया कि ऐसे ही सिंपल हवन करवा लिया जाए, पूजा पाठ तो हो ही जाएगी उधर, बहुत सारे काम ऐसे ही करते रहे, खाना भी बन गया उधर, कई सारी दावतें भी होगी, हैं कमर्शियल दावत, कमर्शियल दावत भी होगी जो खूब सारे मेहमानों की होती है, वो भी हो चुकी। लेकिन वो विधि विधान वाला पूजा पाठ वहाँ पे हुआ नहीं, हुआ नहीं, तो उनका होना जरूरी था। अब ये पता नहीं अड़चने क्यों आ रही, मुझे ऐसा लगा है पहले इसके लिए कुछ उपाय करना पड़ेगा, तब जाके वहाँ पे मुहूर्त निकलेगा हवन का। तो दो तरीके होंगे इसके, या तो कुछ उपाय करा जाए कि शुभ मुहूर्त निकल के आए इसका, तो कैसे करा जाए माँ? फिर पंडित तो पूछे तो फिर तो उसको पूछे थे ही करा जाए। हाँ, सदा हवन भी तो मैं ही बताऊँ ना। तो भाई हमारे गांव के जो पंडित जी हैं जिनसे हम अक्सर हवन और पूजा करवाते हैं, उन्हीं के हिसाब से हम चलेंगे, जैसे भी वो बताएंगे
और अपने हिसाब से कुछ नहीं। एक बार तो मैं कह रहा था मगर खुद ही बैठ कर राम का नाम ले लें वहाँ। तो अपने हिसाब से तो नहीं कर सकते वहाँ की हवन वगैरह का, जैसे कि श्रद्धा होनी चाहिए उसमें तो। हाँ। तगड़े वाली और क्या है यहाँ से तो करवा ले हम चाहे कदीन मकान न तो है। अच्छा अरे नवे मकान है वहाँ तो पंडित तो पूछ के करवा जाएगा। तो चलो भाई वैसे आप लोग भी बताना भाई कब सही रहेगा, सावन में बताया उन्होंने सही रहेगा या नहीं रहेगा, और सावन के बाद भादो लगेगा फिर, और फिर महीने अपने क्रम से आते रहेंगे कौन से महीने में सही रहेगा वहाँ पे। एक छोटी सी पूजा अच्छे तरीके से विधि विधान से, तो इस चीज़ में मशवरा देना भाई हमें, हम कन्फ्यूज हैं, इसलिए आपकी भी सलाह इसमें बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। तो गाइस ये भी मुझे सुबह से कह रही थी कि साफ सफाई भी होनी है, आज सामान भी आना है, बहुत सारे काम हैं, लेकिन सब काम जो है पोस्टपोन हो गया। तुझे भी बता दूं कि हवन पूजा कथा के लिए पंडित जी ने अभी मना करी है, तो वो तो काम हो गया पोस्टपोन, अब सफाई करते रहेंगे धीरे धीरे। माँ को मैंने बता दिया आज है इसका हैप्पी बर्थडे, सबसे पहले तो जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं बहुत बहुत, और धन्यवाद जी। वायरल ने जकड़ रखा है, वायरल का असर है, है? खसी जुकाम नज़ले का जोर है, बुखार भी है बीच बीच में, है दवा पानी ली जा रही है, कुछ का ठीक हो गया कुछ को अभी हो रहा है, घर में घुस गया था कई दिन पहले वायरल, निकलने का नाम नहीं ले रहा है, निकल जाएगा, कोशिश में बहुत कर रहा, दवाई मैंने बहुत ढो दी, तो दवाइयाँ जो हैं प्रॉपर ढोवा लगा दूँ मैं, जल्दी से जल्दी इस वायरस को ख़त्म करना है हम सबको मिल के, और ये वायरस के ख़िलाफ़ लड़ाई हम सब की है, घर में जितने भी मेंबर हैं, और इस लड़ाई को हम अच्छी तरीके से लड़ेंगे और दुश्मन वायरस को ख़त्म करके ही मान देंगे। हैं फिलहाल तो था ये, अब आगे की क्या कार्रवाई करी जाए मुझे ये बताएं। क्या कार्रवाई करें बस, मैं क्या बताऊं जब मेरे पे कुछ हो ही नहीं रहा कल से आज। अच्छा मैं कुछ बता ही नहीं सकती, जब मैं एक आधा काम करूँ तो दो काम आपको बताऊँ। तो चलो भाई कार्रवाई तो हम खुद कर लेंगे जो भी होगी। हाँ। फिलहाल यहाँ की साफ सफाई कर देता हूँ मैं, ये पूजा पाठ के लिए, पूजा पाठ के लिए सही मुहूर्त सही टाइम होना चाहिए ना, तो शायद सब्सक्राइबर हमें सही सजेस्ट कर रहे थे, हमें देखो इन ज्यादा चीजों के बारे में कई सारे कमेंट्स थे आप लोगों। हाँ। में से कि अभी देव बिसोए हुए हैं सब। हाँ। हिंदू धर्म के अनुसार हमारी पूजा पाठ के अनुसार। हाँ। तो हम ये सोच रहे थे भाई देव तो सभी सोए हुए हैं लेकिन भोले बाबा जो हैं वे जाग रहे हैं, और उनके लिए ही करवा लें, लेकिन कोई बात नहीं फिर हो जाएगा ये तो। सही बात है, समय सही होना चाहिए, निश्चित समय तो पंडित जी रखेंगे, कौन सा दिन सही बैठेगा पूजा पाठ के लिए वहाँ पे। लेकिन हमने प्लानिंग तो कई बार बना ली, और वो पंडित जी पहले बोल देते हैं, फिर मतलब कुछ नक्षत्र ऐसे चल जाते हैं, फिर मना करना पड़ेगा उन्हें। तो ये हो गया, सुबह से मैं भाग दौड़ में लग रहा था वैसे, मैं कहा भाई पर्चा बनवा लाऊँ, सामान वामान की तैयारी कर लूँ, और छोटी मोटी चीज़ें जैसे आम की लकड़ी जो कि लानी पड़ती है बाग में से जा कर, वो उनकी व्यवस्था तो हमने पहले ही कर रखी है, रख देंगे उन्हें स्टोर करके, उनका कुछ नहीं बिगड़ रहा, समय आएगा तो वो भी काम आ जाएंगी। सही बात है, फिर आर उसका और नंदनी का बर्थडे भी तो होगा फिर अभी जो जैसे कि त्यौहार चलते हैं ना, अब सावन लगते ही त्यौहार आ जाएंगे, एक मतलब बहती आ जाएगी आषाढ़ में, तो देखो बहुत सारी पूजा पाठ तो ही हमारे घर की आषाढ़ में सावन में और उसके बाद में, ऐसे ही हमारे बर्थडे का जो सिलसिला है ना वो इस महीने से शुरू हो जाए जुलाई से, है और ये चलेगा कब तक, मार्च तक, मार्च तक किसी ना किसी का बर्थडे आया ही रहेगा हर महीने, दो भी आ जाए किसी महीने। हाँ जैसे आरुष का और नंदनी का 5 दिन का गैप है बस। तो चलो भाई अभी तो इसकी तबीयत का वेट करते हैं कि कितनी सही रहेगी, उसके बाद में जो है ना बर्थडे सेलिब्रेट करने की तैयारी करते हैं हल्का फुल्का सा छोटी सी मात्रा में, ताकि बच्चों की तरह इसे भी महसूस ना हो, बच्चे जैसे खुश हो जाए ना मेरा बर्थडे है। और नंदनी तो रात भी पता क्या कह रही थी, अब की बार जब केक लेने जाओगे ना मुझे लेके जाइयो। हाँ। मैं अपनी पसंद का लाऊंगी वहीं से ही, बेकरी में से ही लाऊंगी वो। हाँ। पसंद करके केक, मगर ठीक है बेटा तुझे लेके चलूंगा, कोई दिक्कत टेंशन वाली बात नहीं है। और गाइज मैं सच्ची बताऊँ मुझे अपना बर्थडे बिल्कुल भी याद नहीं था, सुबह मुझे 5:30 बजे गुड्डू ने सबसे पहले विश किया, मैं सो रही थी तो कह रही मम्मी मम्मी, मैंने कहा हाँ बेटा, मगर 7:30 बज गए, कह रही नहीं 5:30 बज रहे, मैं तो इन्हें सारों को जगाऊंगी आप पर, सबसे पहले तो आज तो आपका बर्थडे हैप्पी बर्थडे उसने विश किया। फिर चिंकी को आवाज़ चली गई करनो उधर, फिर चिंकी सोता सोता आरुष हैप्पी बर्थडे मम्मी, नंदनी भी आरुष ही आई सबसे लेट क्योंकि वो नीचे सोती है। हाँ। वो तैयार होने के बाद सब बच्चे हमारे, बाकी सब बच्चे जो है ना हमारे साथ रहते हैं इसी में सोते हैं रूम में। तो हमारा ग्रुप जो स्टूडेंट का है भाई वो आ गया छुट्टी होने के बाद में। अरे बेटे बैठ तो जाओ। हाँ जी बताइए।
मुझे वो लक्ष्मी बन के जाना और उसको गणेश वो क्या नाम कान्हा जी। अच्छा वो ठीक है, शिव भगवान जी जो भी बन के जाना बन के चले जाना बेटा, कोई इश्यू नहीं है उसमें। और भाई तुम उसमें हमारे मेकअप भी करना पड़ेगा मेरा और उसको सारा ब्लू ब्लू करना। अच्छा अच्छा तो खाना आ गया इनका भाई, अब खाते हैं खाना। और भाई नंदनी आराम से सीधे बैठ के खाना खाओ। उसकी बांसुरी भी बनानी पड़ेगी। किसकी? और उसकी। चलो ठीक है, सब बन जाएगा, सबसे पहले खाना खाओ है। तो इसी के साथ इस व्लॉग का यहीं पर कर देते हैं एंड, और आपसे फिर मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम, जय माता दी।